नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। इस संबंध में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जो है इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पर्चा लीक हुआ है। इस पर्चा लीक होने के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाते हुए बोर्ड को आदेशित किया है और सभी 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा जो है रद्द कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर परीक्षा का पेपर रद्द हुआ तो हुआ कैसे? सरकार के तमाम वादे हैं, दावे हैं, इंतजाम हैं, सीसीटीवी के निगरानी हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, इन सब के बाद भी आखिर कैसे शिक्षा माफिया आखिर हावी हो कैसे जाते हैं, इसको लेके भी एक बड़ी जो है बहस होनी बाकी है। और आपको बताते चले कि अभी अभी हमारे पास जो अपडेट सामने आया उसके मुताबिक जो है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ये पेपर लीक हुआ था और इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हुई है और बलिया जिले के डीएम को आदेशित किया गया है, उस पर जो है बलिया जिले के डीआईयूएस को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है सरकार की ओर से कि शिक्षा माफियाओं में के जो ऊपर जो है राष्ट्रपति की कार्रवाई होनी तय है। यानी कि कुल मिलाकर अब योगी सरकार ने जो है शिक्षा माफियाओं पर हंटर लगाना तय कर लिया है और निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई होने बाकी है। लिस्टिंग हो रही है क्योंकि सरकार हर तरीके से कटिबद्ध है कि जो है नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी। यानी कि अब जो है इन पर जो है शिक्षा माफियाओं पर दंडात्मक कार्रवाई होने बाकी है। ये बताया गया है कि उनका जो पेपर था उसमें